ॐ ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतकं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे ईशावास्यमिदं सर्वम्। यह संपूर्ण सृष्टि एक ईश्वर से व्याप्त है, इस दृष्टि को वास्यम हमें प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वही सभी समस्याओं का समाधान है। कैसे उसे प्राप्त करें? किस चिंतन से? तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः, त्याग के द्वारा उस दृष्टि की रक्षा करनी चाहिए। किस चीज का त्याग? ये भेद बुद्धि का त्याग। त्याग उसी चीज का हो सकता है जो हमारी हो, और इस सृष्टि में जितनी भी चीजें है उस पर हम जो मालिकाना हक बताते हैं, ये मेरा है, जमीन, लोगों पर भी हक बताते हो, मुझे नायम है, हाउ डिड यू बिहेव है, मुझे पूछा क्यों, मां गृह, किसी भी तरह की संपत्ति पर अपना हक मत बताओ, मां गृह क्यों नहीं देता हूं, तो मेरी अपनी कमाई है। कस्य स्विद्धनम्, सचमुच में ये सब किसका है, जरा सोचिए। आप कहते हैं मेरा, लेकिन आपकी सत्ता थोड़ी ना उसके ऊपर चलती है। रिस्पेक्ट, अपने शरीर को भी हम कहते हैं मेरा शरीर, अगर ये आपका होता तो आपकी आज्ञा का पालन करता, एक आज्ञा उसे दे दो, क्या कभी बीमार मत पड़ो, ऑर्डर दे दो, कहीं कुछ वेदना भी ना हो,
there should be no pain anywhere. ऐसे एक आज्ञा दे दो, आपका है ना, तो आप उसे ऑर्डर दे दो, दे सकते हैं कुछ नहीं, उसका गुलाम बन के रहना पड़ता है। वो बोलता है उठो तो उठो, बैठो बैठो, मुझे खिलाओ खिलाओ, घुमाओ घुमाओ, सब जो भी हो बोलता है, वो उसकी सेवा करते रहते और कहते तो है मेरा, तो मैं शरीर का हूँ कि शरीर मेरा है, सोच के देखिए। इसलिए वो उपनिषद प्रश्न पूछता है, कस्य स्विद्धनम, जिस जिस चीज को आप कहते हो ये मेरा, वो सोच के देखिए, इसमें हमारा ये तो हमारा ऐसा स्पेशल क्या है, ये राग द्वेष अहंकार भेद बुद्धि, इसलिए वो कॉपीराइट स्पेशल वो आपका है, वही है। तो उसका त्याग करके फिर इस एकत्व दृष्टि की प्राप्ति करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अब ये केवल बुद्धि से विचार करके भी हमें बड़ा सुंदर अच्छा लगता है, वो हमारा अनुभव हो जाए, उसमें बुद्धि स्थिर हो जाए, निष्ठा हो जाए, तो क्या कहने हैं। तो फिर हमारा व्यवहार कैसे होगा, वो श्लोक भी आने वाला है बाद। वो बुद्धि अगर हमारी हो जाए, वो दृष्टि, तो व्यवहार भी हमारा, क्योंकि अभी जो व्यवहार है वो मेरा तेरा अपना पराया इस सोच पर आधारित है, तो उस समय पर व्यवहार कैसा होगा उसे देखेंगे। तो ये दृष्टि मेरी क्यों नहीं बन जाती और मेरा आचरण ऐसा क्यों नहीं हो जाता, तो हमने देखा कि उस बुद्धि को, उस दृष्टि को स्थिर करने के लिए कुछ सद्गुणों की आवश्यकता, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मोक्ष, ये सब क्या है, समझ, ये सब क्या है। अरे कहा तो था पर अरे बीच में एक दिन चला गया था याद है ना, क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान, छह गुणों की संपत्ति और आखिरी मोक्ष, ये चार सद्गुण हम सब में कम अधिक मात्रा में है, तो उसे हम बढ़ाएंगे तो हम उस दृष्टि को अपनी दृष्टि बना सकते हैं, उसमें हमारी बुद्धि स्थिर भी हो सकती है, उससे फिर सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, सभी प्रकार के भय से हम मुक्त हो जाएंगे, निर्भय। वेदांत ज्ञान का लक्षण क्या है, निर्भयता, बिना फियरलेस। तो इन सद्गुणों को हम कैसे बढ़ाए, एक पेड़ पौधा लगा देंगे तो उसको कैसे बढ़ाए, क्योंकि समय समय पर पानी दो, फिर उसको खाद दो, देखो कि उसको उसको जो प्रकाश मिलता है बढ़ेगा। तो वैसे ही इन सद्गुणों को हम कैसे बढ़ाए, कुछ विटामिन की गोली ले सकते हैं, कुछ टैबलेट वगैरह का बता दीजिए। ज्यादातर आश्रम लोग ये सब चलाने लगे हैं आजकल, इसका जो जूस पी लो, उसका जूस पी लो, ये खाओ वो खाओ, शरीर की हालत खराब करते हैं, वो ठीक ही है लेकिन ऐसा क्या करने से ये सद्गुण हमारे अंदर उसकी वृद्धि होगी। फिर क्या कहा, कुर्वन एव कर्माणि जिजि विशेष छुतकम समाह, जितनी भी हमारी आयु है उसे सेवा में लगा। अब तक हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कर्म कर, मेरे लिए, क्यों, क्योंकि फिर मैं वो सब जमावड़ा करके उसके अंदर सुरक्षित होना चाहता था, थोड़ा पैसा कमा लिया, थोड़ी संपत्ति कमा ली, थोड़ा नाम कमा लिया, फिर उसके बीच में बैठ के मैं भविष्य अपना निश्चित करना चाहता था, लेकिन वो सभी भय के कारण हो गए। मैंने सोचा कुछ पैसा इकट्ठा करके रखेंगे, भविष्य हमारा सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन फिर एक भय पीछे लग गया, क्या उसको कोई चुरा के ले गया
जो जो चीजें हमने निश्चित होने के लिए बनाई है वो चीजों का रक्षण करने गई है कि क्या और काम पीछे लगे, उससे भी ज्यादा भय भी हो गया, उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो और भय बढ़ गया, तो भय काम करने के लिए किया था वो तो बढ़ा दे जा तो कौन महाराज गुरुदेव के परम गुरु हमारे, उनकी किताब है ईश्वर दर्शन, बुक्तक है, वो हिमालय में विचरण करते थे तो उन्होंने सृष्टि में जो जो अनुभव आते गए उससे वेदांत सिखाया, बहुत सुंदर, तो उनका कोई ठिकाना नहीं है। अब हमारे दिमाग में कर क्लास छोड़ी कहाँ जाना है, घर जाना, घर जाके क्या करना, तो ऐसा कोई पूछता थोड़ी, कहीं और जा रहे तो पूछते हैं क्यों जा रहे, घर क्यों जा रहे हो, कारण थोड़ी चाहिए ताकि बैठ जाए, हमें तो उधर जाने का पड़ा था, अब जिसका घर ही नहीं जरा सोच के देखिए, उनका अपना ऐसा कोई घर नहीं, परिपुर आ जाता एक जगह रुके, फिर एक जगह तीन दिन से ज्यादा नहीं रुक, कहीं मंदिर में कहीं पेड़ के नीचे कहीं, तो विचार क्या होते होंगे, वो ताला लगाया कि नहीं, फिर उसको उम्मीद आएंगे उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं, फिर कहीं उसने दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया, गैस बंद किया कि नहीं, तो सब एक ऐसा जैसे एक नाव आप समुद्र में चलाओ और फिर उस पर एक रस्सी लगा के उधर बांध के रहो, बहुत सारा कोशिश करे खींच के खींचते उसके उधर ही जाए, ऐसे विचार होते होंगे उनके, पढ़ना किताब बहुत सुंदर है, थोड़ा थोड़ा कल्पना आएंगे किस अवस्था में उधर रहते होंगे, तो मैंने मैं मेरा ये क्या सोच कर किया, शायद मैंने सोचा ये सुरक्षित कर देंगे, शरीर को सुरक्षित कर देंगे, लोगों में अपना स्थान बना के फिर अपनी भावनाओं को सुरक्षित कर देंगे, अपनी बुद्धि को प्रकट करके सब जगह पे सर्टिफिकेट दिखा देंगे उसको भी सुरक्षित कर देंगे, लेकिन रोज हर एक चीज का इतना मेंटेनेंस है उसको छोड़ दो तो फिर वो सब बिखर जाए, उसको ख्याल नहीं रखो तो सब बिखर जाता है, वो मुझे सुरक्षित करने में मुझे ही उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, मुझे ही सबका ख्याल रखना पड़ता है, घर का, पैसे का, नाते रिश्तों का, उसको संभाल के रखना पड़ता है, उसमें जरा ध्यान नहीं देंगे तो सब कुछ जाता है बिखर का, है कि नहीं, तो जो उसमें वैसे भी सुरक्षितता कोई दिखती नहीं है तो उसको जमा करने में क्यों पीछे लगे, उससे अच्छा उनका उपयोग करके सब प्राणी मात्र के हृदय में जो ईश्वर स्थित है उनकी शिक्षा में उसको लगा, आरती करते समय जगदीश्वर धन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, तो तेरा ही सेवे में तेरा ही, तो फिर क्या हो जाएगा धीरे धीरे आनंद सेवा में आनंद और निश्चिंत, इस तरह जीवन विचरण करने से धीरे धीरे हमारा मन जो है शुद्ध हो जाएगा, इन सद्गुणों को धारण करेगा, फिर हमने जो ज्ञान सुना है वो हमारा अनुभव बन जाएगा, अब जिन लोगों ने दृष्टि पाने के लिए कोशिश नहीं की, क्यों नहीं की, और सब हमारे अंदर सद्गुण नहीं है तो हमें वो समझ में नहीं आया, या समझ में आया तो वो ऐसा अनुभव नहीं बना, फिर सेवा करने का वो भी नहीं किया तो फिर उनका क्या होगा, अगला वाला श्लोक, असूया नाम ते लोकाः, असूया नाम ते लोकाः, अंधेन तमसा वृताः, अंधेन तमसा वृताः, तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जनाः, ये के चात्महनो जनाः, असूरिया नाम थे लोकाः, तो उनका गंतव्य उनके हाल क्या होता है,
वे लोक माने एक मन की अवस्था का वर्णन है। किसी लोग कहते हैं स्वर्ग लोक, नरक लोक, मर्त्य लोक, ऐसा कहते हैं। माने कि स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, नहीं किए होंगे तो नरक में जाएंगे। लोक माने क्या है? एरोप्लेन में जाके आए, सैटेलाइट में भी जाके आए, और किधर हो स्वर्ग? चांद पे, मंगल पे, और भी कहाँ कहाँ दूर दूर भेजे हो, उनको तो कुछ दिखा नहीं उसने कुछ। लोक कहाँ है स्वर्ग लोक? उनको जाने में इतनी परेशानी हो जाती है, फिर आप अपने आप बिना कुछ किए सिर्फ मरने से वहां कैसे चले जाते हैं इतना फास्ट? लोग तो इतना विज्ञान सीख सीख के करोड़ों डॉलर लगा लगा के जा नहीं पा रहे, और आप ऐसे चले जा रहे। लोक माने क्या है? ये मन की अवस्था का वर्णन है। इसी दुनिया में रहते रहते लोगों को कुछ कुछ ये दुनिया नरक लगती है ना, तो देखिए घर में लोग रहते हैं जिसे एक घर में ये नरक नरक दिखे रहा हो। खुद लोग कहते जिनके मन के अनुसार सब हो रहा है वो कहते हैं मैं तो स्वर्ग में। तो इसी दुनिया में लोग स्वर्ग में भी जीते हैं, नरक में भी जीते हैं। तो नरक स्वर्ग ये तो क्या है? लोग माने ये मन की अवस्था का वर्णन है। तो कौन से मन की अवस्था में रहेंगे ये लोग जो इस एकत्व की दृष्टि को नहीं पाते हैं, और उसे पाने के लिए जो सेवा का मार्ग बताया वो भी नहीं अपनाते, फिर आज क्या होता है? असुरिया नाम होते हैं। ये असुर माने क्या? सुर असुर अपन, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस लोग, ये हमने पुराण में सुना है। लेकिन ये असुर की जो व्याख्या बताई है शास्त्रों में वो सुनेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों? क्योंकि हम सब उस कैटेगरी में आ जाएंगे। असुषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ते इति। जो हमेशा अपने इंद्रियों द्वारा शरीर द्वारा भोग करने में लगा रहता है उसे असुर कहते हैं। अब देखो फिर उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो परमात्मा की दृष्टि से फिर ये जो देवलोक में जो स्वर्गलोक में इंद्र इत्यादि सब लोग हैं वो भी सब असुरी हो गए, कि वो भी भोग में लगे रहते। जो भी अपने शरीर मन इंद्रियों को सेवा छोड़ के सेवा नहीं करके तो फिर क्या करेंगे? फिर रोज रोज नए नए तरीके ढूंढने के भोग करने के, चलो आज इधर जाते चलो उधर जाते, ये करते रहते वो करते रहते, नए नए आइडिया किस लिए? मन को लुभाने के लिए, इंद्रियों द्वारा भोग करने के लिए। तो ये असुर लोक माने क्या है? अंधेन तमसा वृता, वहां तो सब अंधकार है, अंधकार कोई ज्ञान का प्रकाश ज्ञान नहीं है, अंधकार अंधेन तमसा आवृता। अंधकार का लक्षण क्या है? तो समझ में नहीं आता, अपने घर में अगर अंधेरा हो जाए रात को समझ में नहीं आता है किधर क्या चीज। रोज जानते इतने सालों से वहां रहते हैं क्यों नहीं चले जाते सीधे, जब अंधकार हो जाता है तो अपने फर्नीचर को वहीं गिर जाता है, अरे दिखता नहीं, नहीं दिखता है, इतने सालों से पता तो है वहां पे सोफा रखा है क्यों गिर गया, अंधकार हो गया। जब अंधकार हो जाता है तो आसपास की चीजें भी सब धुंधली हो जाती है, भ्रम हो जाता है, सब व्यवहार गड़बड़ा जाता है, लग जाता है तमसावृता। प्रत्याभिगच्छन्ति, प्रेत वैसे नहीं कि मरने के बाद हो रहे थे ना प्रेत, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। मरण माने क्या? ऐसे नहीं कि वो शरीर पूर्ण हो गया प्राण चले गए फिर मरने के बाद प्रेत बन के फिर वो उस लोक में जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं है। प्रेत्याभिगच्छन्ति माने क्या?
देखो हर क्षण हमारा एक अनुभव होता है ना, उसका मरण होता है, दूसरे अनुभव का जन्म होता है, फिर उसका मरण होता है, फिर तीसरे अनुभव का जन्म होता है, है? तो ये हमारा जीवन में माने क्या है, एक अनुभव, दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव, चौथा अनुभव, ऐसी श्रृंखला है, है? सुबह उठने से लेकर शाम तक अलग 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 अनुभव आते। अब जिस दिन हमारे लिए एक अनुभव अच्छा हो गया, दूसरा भी अच्छा हो गया, तीसरा भी अच्छा, दिन में कई सारे अच्छे अनुभव आए, एक दो जन अच्छे नहीं आए, तो ओवरऑल वो कहते कि आज का दिन अच्छा गया, क्यों? अगर काफी सारे अनुभव अच्छे रहे तो आज का दिन अच्छा गया। उसी तरह फिर हफ्ते में भी हम कहते ये दिन अच्छा गया, वो दिन अच्छा गया, हफ्ते में से चार पांच दिन अच्छे गए, एक दो से ओवरऑल तो हफ्ता अच्छा है, उसी तरह महीना, फिर साल और जीवन। तो जीवन में कई सारे साल अच्छे रहे तो जीवन अच्छा रहा है, अगर अच्छा नहीं रहा तो इनको सबको छोटा छोटा करते करते जाएंगे तो आखिर में वो कहाँ पे आएगा, एक अनुभव। तो हमने अगर सीख लिया कि एक अनुभव को सुंदर अच्छा कैसे बनाया जाए तो पूरा जीवन सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ कहा है कि प्रत्याभिगच्छन्ति अंधेन तमसा वृता, माने क्या होगा, एक अनुभव के बाद दूसरा वाला अनुभव उसका कैसा होगा, अंधकार वाला होगा, तीसरा वाला उससे ज्यादा अंधकार, अंधकार में वो अंधकार मैंने भ्रम वाला, भ्रम वाला मैंने गलत काम करेगा, भ्रम से लोग गलत काम करे। जैसे अंधेरे में आप चलते रहो कहीं गड्ढे में गिरेंगे, वापस उठेंगे, फिर इसको टक्कर करेंगे, उससे टक्कर क्या क्या होगा पता नहीं। तो ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है, एक सोचते हैं दूसरा ही कुछ होता है, चलते जा रहे हैं अंधेरे में, चलते जा रहे हैं। ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसको बिना जाने कैसे लोग जीते हैं पता नहीं, चल रहा है वो अंदर ही है। और इस तरह अंधेरे में जो रास्ता चुनता है उसका जीवन क्या है, ये के च आत्मनो जन आत्मनो जना, एक तरह से अपने आप का आत्महत्या ही कर लेते। अब जिसने कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा है, अमावस की रात है, अंधेरा है, कहीं जाना है, चला गाड़ी, गाड़ी की लाइट भी फेरो, चलेंगे ऐसे ही चलेंगे, और अरे कभी चलेंगे मैं किधर जाएगा, किसी को ठोकर मार देगा, आत्महत्या कर लेगा, कुछ भी दिख नहीं रहा है, चला जा रहा है। ये आत्महत्या माने क्या, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये शास्त्रों में जो हमारे स्वरूप का वर्णन किया है अज्ञानवश उसका तिरस्कार करते हैं, इग्नोर करते, दुर्लक्षित करते, होगा ईश्वर मैं नहीं मानता, दुर्लक्षित। अरे वही तुम्हारा स्वरूप है, उस एकत्व को जानो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं जानो, दुर्लक्षित कर, उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करता, न जानने का प्रयास करता है, न उसके लिए पात्र बनने का प्रयास करता है, दुर्लक्षित। तो वैसे आत्मा का तो नाश को भी कर नहीं सकता है? तो उसका नाश माने क्या, जैसे कुछ कुछ लोग हैं कोई कुछ कहता है कहता है उनको जवाब ही नहीं देते, क्या कहते हैं हिंदी में, हाथी चलता है कुत्ता भोंकता है, वो कुत्ता भोंकता रहता है, हाथी देखता भी नहीं, उनसे कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, इग्नोर किलिंग बाय इग्नोर, वो ऐसे ही मार दिया। मराठी में क्या कहते हैं, अनुल्लेख, अनुल्लेखा नहीं मार लेते, वैसे ही मार दिया उसको। तो इतनी जो हमारे जीवन का अंतिम गंतव्य स्थान है, ध्येय है, परमोच्च वस्तु है, उसको दुर्लक्षित कर दिया। हाँ करना है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, हा? आपने समझो किसी को कुछ पूछा हो और वो जवाब ही नहीं दे रहा है, और कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ,
फिर आपको कैसे वैसे हम कर रहे हैं इसको, इस आत्मज्ञान को दुर्लक्षित, तो वो क्या हो गई, आत्महत्या ही हो गई। अरे राम, ये आप एक चीज भूल गए, क्या भूल गए, आपने कहा उस आत्म विद्या को, उस आत्म स्वरूप को, उस ईश्वर को, एकत्व को देखना चाहिए, लेकिन उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं ज्यादा। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा था ना उपनिषद शुरू करने के पहले, क्या करने से मुझे सभी दुखों से अंत हो जाएगा, उसी से बैठा है, वो सोया नहीं क्लास में, वो बैठा होता है, गुरु आपने ये तो भूल ही गया, तो गुरु ऐसा नहीं कि भूल गए हैं, लेकिन वो शिष्य को भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया, शिष्य को भी अच्छा लगता है, तो मैंने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक नहीं था, तो उसको भी आनंद देते, चलो मैं बता देता गुरु है श्लोक में बता दे। अनेजदेकं मनसो जवीयः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः अब उसका वर्णन बता रहे हैं गुरु, क्या कह रहे हैं, तत् अनेजत, वो ईश्वर, वो एकत्व की दृष्टि, वो सत्य, हमेशा वो कह रहे मैंने वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम हो, वो कैसा है, अनेजत, अच्छा वो हिलता मिलता कुछ नहीं, मतलब क्या हो? अभी देखो हमारी हमारे बारे में धारणा क्या है, हम ये शरीर है, फिर ये शरीर है तो एक चीज है जो आप बिना कुछ किए भी होती रहती है अपने आप, इस दुनिया में ऐसी एक ही चीज, वो क्या है, वो आपके आयु बढ़ते रहते, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप वो शरीर धीरे 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 बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता रहता है, आप चाहे जितना हो उसको रोकने की कोशिश करो, हाँ प्लास्टिक सर्जरी लगाओ, फिर नए दांत बिठाओ, फिर नया कान में यंत्र बिठाओ, फिर एलर्जी भी लगाओ, फिर कितने चाहे सारे ड्राई फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ, कुछ भी करो,
बहुत ब्रेक लगाने की कोशिश करते कोशिश कर वो रुकते ही नहीं। तो उसमें क्या है, विकार है, मैंने बदलाव होते ही रहता है, बदलाव को हम रोक नहीं सकते। हमारी इच्छा तो बहुत है कि उसको रोका जाए, बहुत कोशिश होती है उसको रोकने की, बहुत उसके ऊपर किताबें हैं, रोज व्हाट्सएप के बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे ब्लॉग वेबसाइट इतने सारे क्लास सब मिलके उसको रोकने के लिए बहुत नुस्खे बताते रहते हैं, ये पियो, ये खाओ, उल्टा खड़ा हो जाओ, सीधा खड़ा हो जाओ, भागो, दौड़ो, बैठो, मैं कोई बोलता है मेडिटेशन करो, चुपचाप बैठो, कोई बोलता है वो जॉगिंग करो, कोई बोलो बूटा पी, सब मिलके कोशिश कर रहे इसको रोकने की, वो ये रोकता ही नहीं है। लेकिन हम चाहते जरूर है कि वो उसमें विकार ना हो। तो उपनिषद कहता है, अरे ये शरीर तो आपका साधन है, आप नहीं हो। जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी घड़ी है, ऐसा मैंने कहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी किताब है, ये मेरा पेन है, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, वो मेरे से अलग हुआ पहली बार, है कि नहीं। मैं तो बोल कहूँ कि ये मेरा घर है, तो घर मेरे से अलग हो गया और फिर वो मेरा है, या तो मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये बात तो तय है, जब भी किसी चीज को मैं मेरा कहता हूँ या मेरी कहता हूँ तो एक बात तो तय है, वो मेरे से अलग हो गया। अभी शरीर को आप क्या कहते हैं, मेरा शरीर है, तो मतलब क्या हुआ, मैं इस शरीर से अलग हो गया। आज मेरा मन उदास है, अच्छा मेरा मन, मैंने आप क्या हो गए, मैं हूं, मन है और वो मेरा है, मैंने वो मेरे से अलग तो हो गया। अब ये जो विकार हो रहे हैं वो मेरे अंदर हो रहे हैं कि वो मेरे शरीर के अंदर हो रहे, आज मेरा शरीर आज ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, किसकी, मेरे शरीर की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा हम कहते हैं मेरी गाड़ी पंक्चर है, ऐसे तो नहीं कहते मैं पंक्चर हूँ। इस तरह मेरा शरीर ठीक नहीं है तो हम क्या कहते हैं, मैं ठीक नहीं हूँ। अरे मेरा शरीर जब कह रहे हो तो क्या कहना चाहिए, आज शरीर का तबीयत ठीक नहीं, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन हम फिसल जाते हैं और हम क्या कहते हैं, मेरे घुटने दुखते, मेरा सर दुखता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिसल जाते करते तो कहते कि मैं ही ठीक नहीं हूँ, अरे आप कैसे ठीक नहीं, आपका साधन ठीक नहीं है, है ना। विचार करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा मैं उससे अलग हूँ। जैसे ही हमारी हमारी दृष्टि वहां से हटके कहीं और चली जाती है, तुरंत ही हमें उसका अनुभव बदल जाता है। जिस चीज में हमारी दृष्टि स्थित है उसी चीज का हमें अनुभव आता है। सुबह सुबह उठे उपनिषद पढ़ते हैं, नहीं उपनिषद को ही पढ़ते हैं, सुबह सुबह न्यूज पेपर पढ़ते हैं, वो जल्दी नहीं आया तो उसको गुस्सा भी कर, क्यों फ्रेश न्यूज आए मन से, फ्रेश मराठी का ताजा ताजा बात में आकर वो पहले हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, बांसी ऑलरेडी अपडेट। सुबह पेपर वाला नहीं आया तो उसके ऊपर ही टूट पड़े, दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती मेरे अंदर, है ना। न्यूज पढ़ क्या हो पड़ा, अरे यहाँ कुछ हो गया, धड़ाम धड़ूम, इतने लोग मर गए, ऐसा कर और फिर पलट दिया, अपन हो गया क्यों, क्योंकि कहीं दूर फिकर तो हुआ है, दो क्षण के लिए पन्ना पलट गया खा ला है कि बहुत दूर है तो फिर उससे जा रहा है। अब वो समझो कहीं पास में हुआ है तो फिर थोड़ा पढ़ना चाहेंगे, अरे हमारे गांव में ही हुआ है और पढ़ना चाहेंगे, वो हमारे कॉलोनी में ही हुआ तो दो चार पेपर और पढ़ना है,
एकदम और पास में आपका नाम भी कहीं आ गया हो या आपका कारोबार, अरे फिर तो इसको फोन लगा करो सब गड़बड़ हो। तो वही घटना जैसे जैसे पास में आने लगी वैसे वैसे उसका परिणाम ज्यादा होने लगता है। घटना वही है, किसी का मरण हुआ है, कहाँ हुआ है उसको जानता नहीं, उस घटना से मुझे कुछ नहीं, धीरे धीरे मैं उसको जानता हूँ, पांचवी आ रहा है वो आपसे मेरे ही शरीर के बारे में कुछ रिपोर्ट आ जाए तो फिर तो सब दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाती। मैंने सोचा नहीं था कभी भगवान ना करे, लेकिन विचार करके देखो एक ही घटना लेकिन हम उसके कितने साथ जुड़े हुए हैं विचारों से, उसके अनुसार उसका हमारे विचारों पे शरीर पे मन पे परिणाम होता है कि तो उपनिषद क्या कहता है, आपका जो स्वरूप है वो इन साधनों की तरह विकार में नहीं, उसमें विकार नहीं होता, और इसीलिए आप ये सब विकार देख भी सकते हैं। क्यों आप ये सब विकार देख सकते हैं, क्योंकि आप स्थिर हो, तो समझना अच्छी तरह। हम जब स्कूल में थे एकदम शुरू में, उस समय वो एक प्रोजेक्टर लेके वो आया करते थे लोग गांव-गांव में, और उधर एक कपड़ा बांध देते थे और फ्री में पप्पू मूवी ये गणेश उत्सव में वगैरह आप लोगों ने देखी कभी, कपड़ा लगता था और उस पर लगा वो दोनों साइड से लोग बैठ जाते, उधर भी बैठ नहीं देते, उधर वाले को लेफ्ट साइड राइट दिखता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैदान में सबको फ्री है। और फिर थोड़े समय में हवा चलने लगी तो फिर ऐसा हो गया वो हीरो इतना लंबा हो जाता है, कभी कभी मोटा हो जाता है तो जिसके ऊपर वो चित्र दिखाया जा रहा है वो तो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना, तब जाके वो सब ठीक दिखेगा। वही हिलने लग जाए तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, वो भाग रहा है कि वो वैसा ही उसको पर्दा भगा रहा है तो क्योंकि हम सब बदलाव ठीक ठीक से देख रहे हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है आप ठीक से खाना ना खाओ या कुछ विटामिन वगैरह कम हो जाए या कुछ टेंशन हो जाए तो आप खड़े खड़े ही सब घूमने लगते, ऐसे कभी अनुभव हुआ है आपको? आपका ये सुन सुन के मुझे ऐसे ही हो रहा है चक्कर चक्कर आ गया ऐसा बोल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पूछे क्या हो रहा है आपको, तो वो क्या कहता है, सब घूम रहा है, सब क्या घूम रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है ऐसा नहीं बोलता, वो क्या है मुझे सब घूमता हुआ दिखा है, सब घूम रहा है, बाकी लोग बोलते हैं कुछ नहीं घूम रहा है नहीं उसको दिखता है सब घूमता है, तो हमारे अंदर गड़बड़ हो जाए तो जो अच्छा कार्य था शांत वो भी सब घूमते हैं तो हमें ये सब सूरज चांद ये वो सब पेड़ पौधे इमारत ये सब बदलाव जो हो रहे हैं वो ठीक ठीक से दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हम कैसे हो स्थिर होने चाहिए। तो हम नाहक ही परेशान होते हैं, शरीर में जब विकार आते हैं तो हम उसी को मैं मान बैठते हैं, शरीर बढ़ रहा है तो मैं बढ़ रहा हूं, शरीर बूढ़ा हो गया तो कभी मैं बूढ़ा हो गया सोचिए मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मैं नहीं, हमें पता ही नहीं कि मैं शरीर से अलग हो भी सकता हूं, हालांकि उसकी छोटी छोटी झलक हमको मिलती रहती है रोज, जब हम सो जाते हैं तब हमें कहाँ ध्यान रहता है शरीर का, जब आप गहरी नींद में हो तब आप क्या हो, बच्चे हो युवा हो बूढ़े हो क्या हो पता ही नहीं, वो घुटनों का दर्द उसका क्या हो गया, वो कहाँ गायब हो गया पता नहीं, सोने का छोड़ो दिन में भी कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते रहते भविष्य के बारे में, फिर मैं ऐसा करूंगा फिर वहां से कुछ पैसा मिलेगा फिर मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा फिर उसका दुगना हो जाएगा फिर वहां कहां चले गए वो पता ही नहीं हो क्या हो रहा है
शरीर का भान बोलते हैं, भान चला गया ऐसा बोलते हैं। किसी चीज में हमारा जब पूर्ण मतलब से एकाग्र हो जाए मन से तो शरीर को भूल जाते हैं। वो एक वैज्ञानिक था वो शास्त्र में, वो ऐसे बातें आए बाथरूम में से बिना कपड़े पहने क्योंकि वो राजा ने उसको दिया था काम, सोचते सोचते कुछ, और जब वो इस गुस्से में चला वो शरीर का ध्यान भी नहीं रहता। कई बार हमको ऐसे होता है कि हमारा ध्यान शरीर से हटकर कहीं दूसरी चीज में लग जाए तो इसकी अवस्था का हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में वापस आ जाता है। हमने हमने बहुत प्रैक्टिस करके रखा है बचपन से इसको यही मैं हूँ ऐसा बहुत प्रैक्टिस कर शुरू से उसको हम बताते रहते, छोटे बच्चों को पूछते रहते, चुन्नो मुन्नो राजू काजू तेरा नाम बता, पहले बोलते राजू तेरा नाम बता, तुमने पहले तो पुकार लिया उसको राजू से क्यों पूछ रहे। अब शुरू में बच्चों को मालूम भी नहीं होता कि वो उसका नाम है, आप पुकारो तो ध्यान भी नहीं देता, उसको बार बार रटके 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 यही तेरा नाम प्रैक्टिस करवाते लिखो, फिर उसको जब लिखना आता है फिर वो चालू कर देता है दीवार पे इधर उधर उधर रुको उसको, फिर वो चालू कर देता है यहाँ वहाँ लिखना, लिखते रहते वो गार्डन में इधर उधर वो कहाँ कहाँ लिखते पता नहीं, जितना लिख लिख के भी फिर कहीं लिखना ही होता है वो, और उसके साथ ऐसे ही जुड़ जाते हैं। फिर यही मैं हूँ शरीर ही मैं हूँ, बहुत प्रैक्टिस किया है जो मैं नहीं हूँ उसको ही मैं मानने के लिए बहुत प्रैक्टिस किया है, और वो उसको इतना पक्का हो गया है। ऐसे कहते हैं ना कि झूठ बात आपको अगर 100 बार बताई जाए तो वही सच लगने लगता है, बार 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 जाने अनजाने ने दुनिया में सब लोगों ने हमने भी उसको इतना रटा है, ये नियम है जिस बात को बार बार बताओ वही सच में। इसलिए भगवान का नाम लोग क्यों बोलते हैं, तो यहाँ से आप मन हटके वहां जाएगा, क्योंकि हम अगर पूरा गिनेंगे ना हमने कितनी बार हमारा नाम लिया है बचपन से, कितनी बार लिखा होगा कहाँ कहाँ, कितने नोटबुक्स में, कितने एग्जाम पेपर में, कितने फॉर्म्स भरे हैं, और कितने लोगों को फोन पे बताया कौन बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन चन्नू बोल रहा हूँ मन्नू बोल रहा हूँ, कितनी बार हमने हमारा नाम लिया होगा, कुछ करोड़ हो गए करोड़ों, तो नो वंडर इसको ही हम मेहमान मान बैठे। अब वो उसको कैसे निकाले बोले भगवान का नाम लो, फिर वो वहाँ से मानते हो कि वहाँ, इसलिए कुछ लोग अपने बच्चों के नाम भी रखते थे भगवान के नाम, है ना, उस बहाने ही सही करो भगवान का नाम तो आ जाएगा, है ना, आज कल नहीं फैशन हो पता नहीं कम होता जा रहा है, कुछ कुछ लोग रखते हैं अच्छा अच्छा नाम। तो मेरा स्वरूप कैसा है, मैंने इज्जत विकार नहीं है उसमें, मनसो जबी यह वो कैसा है, अरे मैं सोच सोच के उसको मन से पकड़ लू, नहीं पकड़ता मन से नहीं पकड़ता क्यों, अरे जो चीज उसे सूक्ष्म है उसे जड़ वस्तु पकड़ नहीं सकती ना उसे समझ सकती। अब देखो ये टेबल है ये कुर्सी है उसको हम देख रहे हैं, तो क्या कुर्सी को पता है कि कोई उसे देख रहा है, कुर्सी को नहीं पता क्यों, वो जड़ है उसमें ये क्षमता नहीं जानने की, लेकिन हमारी जो आंखें उसको देख रही है आंखों को पता है ये कुर्सी है, लेकिन कुर्सी को नहीं पता कि कोई उसे देख रहा है, कुर्सी नहीं जान सकती कौन उसे देख रहा है नहीं देख रहा है, क्यों जड़ है, आंखें क्यों जान सकती, क्योंकि आंखें उससे सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ जो उससे उन्नत है, उन्नत तो हमारी जो इंद्रिया है उससे हम ये जगत की वस्तुओं को छूते हैं महसूस करते हैं अनुभव करते हैं, तो ये इंद्रियां कैसी हुई हमारी आँख नाक कान उनसे उन्नत है, उसमें प्राण है इसलिए आँखें देख सकती है कान सुन सकता है, तो वो क्या हो गया उससे उन्नत हो गए। अब देखो हमारी जो देखने की शक्ति है उसमें भी विकार होता रहता है कि उसको कहते हैं आजकल मुझे
दूर का दिखाई नहीं देता। एक लड़का था, वो पिताजी को कहते रोज कहता था मुझे दूर का दिखाई नहीं देता है, मुझे चश्मा लाके दो। अब रोज कुछ ना कुछ मांगता ही रहता था। पिताजी को लगा ये भी कोई नया टोटका उसने निकाला, मुझे दूर का दिखता नहीं है, चश्मा लाना है, चश्मा लाना। रोज जब वो क्रिकेट करने लगा, एक दिन वो इतना गुस्सा हो गया, वो खींच के बाहर लेके आया। रात का समय था, वो उसमें आसमान में पूर्णिमा की रात है, ऊपर देखो क्या दिख रहा है, चांद दिख रहा है, दिख तो रहा है इतना दूर का, उसके दूर का और क्या देखना है तुझे, और उससे भी दूर देखना है तुझे। तो आंखों में दृष्टि में कई विकार होते रहते हैं। तो हम ही कहते हैं क्या, आजकल मुझे अन्य को दिखता नहीं है, तो ये कौन कह रहा है? आंख स्वयं कह रही, आंख को थोड़ी समझ में आता है कि उसे दिखता है। तो आंखों से ऊपर भी कोई होगा जो उसे जानता है, है? कौन है वो? हमारा मन है, जिससे हम हमारी इंद्रियों की शक्ति कम ज्यादा होती है वो जानते हैं। आजकल मुझे ठीक से सुनाई नहीं आता है, है ना? आजकल मैं वो इतना खाना हजम नहीं कर सकता पहले जैसा, आजकल मेरे से ये नहीं होता है। अपने शरीर की अवस्था, इंद्रियों की अवस्था, उसमें होने वाले उतार चढ़ाव, इनको हम देख सकते हैं। कैसे? मन से, मन से हम इंद्रियों की अवस्था को देख सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंद्रियों के पीछे एक मन है। तो कोई कहे कहाँ है बताओ, बताओ उसका रंग क्या है, मन का रंग क्या है बताओ, उसका वजन कितना है बताओ, उसको सुगंध आती है कि दुर्गंध आती है बताओ, उसका टेस्ट कैसा है बताओ। अरे ये सब नहीं बता सकते, फिर वो नहीं है। अरे है वो झगड़ा करेंगे तो फिर वो क्या बोलते हैं, नेवर माइंड। अरे है प्रमाण क्या, दिखता नहीं है। उसको छू नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई गंध नहीं, उसके कोई टेस्ट नहीं, फिर कैसे कह रहे हैं है? कैसे कह रहे हैं? अब उसको जानने वाला भी कोई हो तभी तो कह रहे हैं। तो देखो ये जानने की जो प्रक्रिया है ना, वो हमेशा जो जानता है उसको वो उससे उन्नत होता है। जैसे एक कुर्सी से हमारी आंखें उन्नत है, मोर इवॉल्व, तभी तो वो उसको देख सकती। कुर्सी उसको नहीं देख सकती क्योंकि वो जड़ है। आंखों को मन देख सकता है क्योंकि मन उससे भी उन्नत है, मोर इवॉल्व। आंखें मन को नहीं देख सकती, मन आंखों को देख सकता है, समझ गए? तो जो जितना उन्नत 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 है वो नीचे वाली चीजें देख सकता है जो उससे कम उन्नत है, जड़ है, लेकिन नीचे वाली चीजें ऊपर नहीं देख सकता। तो यहाँ क्या कहा है, मनसो जबी यह, माने क्या, उसको मन से पकड़ नहीं सकते, मन से उसे जान नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, वो मन से ज्यादा उन्नत, उसके द्वारा मन को जान सकते, मन के द्वारा उसको नहीं है? देवता लोग भी उसे जान नहीं सकते। अच्छा, देवता लोग भी उसे, अब हमने पुराण में सुन के रखा है देवता लोग मैंने क्या है, वो स्वर्ग में बैठते हैं, रोज म्यूजिक सुनते रहते हैं, फ्री एफएम डांस म्यूजिक सब,
स्वर्ग में रहते हैं और उनको बुढ़ापा भी नहीं आता है, कभी बीमार भी नहीं पड़ते हैं, कंटिन्यूस 24 आवर नॉन स्टॉप म्यूजिक चलता रहता है वो आनंद है, ऐसा पुराणों में हमने सुना है। अब उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, देव शब्द माने क्या है, दिव दिव जो धातु है उसका मतलब होता है जो प्रकाशित करे, दीपक को भी हम कहते हैं ना दिया, वही शब्द कहाँ से आया है, दिव जो प्रकाशित करे उसे कहते हैं देव। तो उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ये हमारी जो इंद्रिया है ना ये जगत के वस्तुओं को प्रकाशित करती है, इसलिए इंद्रियों को देव है। जैसे ये रंग रूप जो है वो हमारी आंखों के द्वारा जान सकते, प्रकाशित करना माने जानना, कॉग्निशन। संगीत है उसको हम कानों के द्वारा जानते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो ये सब इंद्रियां जो है उनको कहा है आध्यात्मिक अर्थ में देव। कल आपने पंचकोश विवेक पढ़ा ना, और तत्व बोध ग्रंथ है उसमें ये सब भी दिया है, एक एक हमारी जो इंद्रियां हैं उसकी कौन सी देवता है। तो क्योंकि हम अपने बारे में समझना बड़ा कठिन है तो उसे एक कहानी रूप में बता, जैसे एक छोटा बच्चा हो उसको कुछ समझाना हो डायरेक्ट उसे बताएंगे तो कठिन हो जाता है उसके लिए, तो उसकी तरफ नहीं देखते, उसने कुछ गड़बड़ काम किया है, समझ खाना खाया और फिर हाथ धोया ही नहीं, वैसे ही खेल रहा है, तो दूसरी की तरफ देखते रहे, अच्छे बच्चे हाथ धो के फिर खेल, उसको नहीं बताते डायरेक्ट अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तो कोई अच्छे बच्चे मतलब कौन होता है, कोई ऐसे काल्पनिक तैयार करते हैं एक अच्छे बच्चे होते हैं पर वो ऐसा नहीं करते। अब देखो तुम्हें बनना है तो एक अच्छा बच्चा निर्माण किया जाता है और उसके द्वारा सब बताया जाता है, तो वो भी सोचता है एक अच्छा बच्चा होता है इसको सब प्यार करते हैं जो बहुत अच्छा तो फिर वो उसके जैसा बनने के लिए किधर है वो अच्छा बच्चा पूछेंगे, अरे तुम ही हो, वो तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम अपनी ओर देख नहीं सकते तो एक दूसरा निर्माण कर दिया है। तो ये देवता और पुराणों में हमारे ऋषि मुनि बहुत होशियार थे, जब भी उनके बारे में सोचते हैं तो हम बार बार उनको नमन करने का, उनको मालूम है ये आत्म परीक्षण वगैरह करना बहुत कठिन बात है, लेकिन कहानी वहानी सुनने को लोगों को बहुत अच्छा लगता है, टीवी सीरियल हो कहानी हो, उतना होने के बाद भी आस पड़ोस की कहानियाँ भी सब सुनते हैं, पता है वो कहाँ गए हो किसके साथ बात की किधर गई कुछ नहीं वो कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। ये देवता वगैरह पुराण की सब कहानियाँ बना के उसी तत्व को हमको समझाया गया है, अब बच्चे थे तब ठीक था वो सब, अभी आपको समझना चाहिए कौन है सब, ये इंद्र कौन है, वायु देवता कौन है, वरुण देवता कौन है, किधर बैठे हैं, क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये हमारा अंतरंग ही कहानी रूप में बाहर खोला हुआ है, तो देवता भी उसे जान नहीं सकते, मतलब क्या हुआ कि हमारे इंद्रिया उसे जान नहीं सकते, हमने देखा क्यों नहीं, क्योंकि इंद्रिया तो जड़ है, वो इंद्रियों को भी ज्ञान देने वाला। अगला उपनिषद भी हमको पढ़ना है केनो उपनिषद, उसमें ये बताया कानों का कान, आँख की आँख कौन है, सुंदर उसमें सब कहानी भी बढ़िया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इंद्रियों से हम उसे जान नहीं सकते, तो कब मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वो रूप दिखता नहीं फिर हमें भगवान का, दिखता है क्यों नहीं दिखता, इतने सारे संतों को दर्शन हुए हैं लेकिन वो उनका संपूर्ण ज्ञान नहीं है। महाराष्ट्र में संत नामदेव जी महाराज हो गए, उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो रोज भगवान से बातें करते थे, सगुण रूप में उत्थल थे भगवान रोज बातें करते थे, वो संतों की सब मंडली जमा हो गई तब बोले वो बोरा कुमार एक संत थे, वो मैं चेक करता हूँ किसका किसका ज्ञान पक्का है, और कैसे चेक करेंगे, फिर मैं रोज मटका चेक करता हूँ वैसे ही चेक करूँ, वो मटका बना के मिट्टी का फिर उसे वो आग में रखते वो पक्का होने के लिए, तो वो पक्का हो गया कि नहीं, उसमें कुछ क्रैक वगैरह है कि नहीं, आप भी देखते हो घर में होता है ना अपना कप होता है शास्त्र होता है उसमें कहीं अगर क्रैक चला जाए उसको टक टक करके देखेंगे आवाज से समझ जाए ना ऐसा करके देखेंगे,
तो बोले मैं देखता हूँ, वो लकड़ी लिया उसने, वो सब बैठे थे संत लोग, वो ग्यारह सौ महाराज वो सबके सब टक 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 टक। तो इनके पास जब आगे बोले ये कच्चा है, वो बहुत गुस्सा है, मैं तो रोज बात करता हूँ भगवान से, जो कह रहा कच्चा है वो भगवान से जाके कंप्लेन किया उन्होंने। तो वो भगवान को सगुण रूप में देखते थे, उससे बातें करते थे, फिर भी भगवान कहते नहीं मुझे पूर्ण रूप से तुमने नहीं जाना है। तो वापस फिर उनको गुरु उपदेश के भगवान कृपा से हो ही गया है ना। तो भगवान का रूप देखने को मिलता है कई लोगों, जैसे जैसे आपका मन शुद्ध हो जाए तो कभी स्वप्न में दर्शन हो गए, कई लोग तो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उनको कहाँ कहाँ दर्शन होते हैं, कुछ है कुछ मैं नहीं विश्वास कर, आपको नहीं दिखा तो आप तो हजार चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन वो भी क्या होगा, वो आ गया फिर चला भी गया, तो भगवान कैसे वो तो आने जाने वाले थोड़ी है, वो तो नित्य स्थित है, रूप कैसा है आ गया फिर चला गया झलक जाए, तो भगवान को क्या, वो जिस चाहे रूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनको तत्व रूप से संपूर्ण रूप से हमेशा के लिए जानकर निर्भय होने के लिए वो काफी नहीं है। कई सारे संतों को दर्शन भगवान के हुए, फिर उनकी आध्यात्मिक साधना शुरू हुई प्रेरणा लेकर, और फिर उन्हें तत्व रूप से सर्वात्म भाव से आत्म स्वरूप के रूप से उसे अलग देखा ना, मुझे भगवान का दर्शन हुआ मतलब क्या हो, भगवान अलग मैं अलग अलग तरह से भगवान का दर्शन लिया, और सत्य क्या है बोले वो ही एक केवल सर्वव्याप्त है, तो मैं भी उसमें आ गया, तो मुझसे अलग कैसे रहते हो, तो भगवान के दर्शन भी हो गए तो भी वो अलगपन तो गया नहीं, तत्व रूप से जानने के लिए क्या एकत्व है ना, एक रूप से जाने तब उसका पूर्ण ज्ञान होगा, अलग रूप से नहीं। और इसका जितना इसका वर्णन करते जाओ हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताए कर रहे थे। कल हमारा आखिरी दिन है तो पूरा हो गया दिन पूरा करेगा, कैसे पूर्ण होगा उपनिषद, होगा पूर्ण होगा चिंता मत कर। हाँ कि मुख्य विषय विषय होते हैं कल हमारा आखिरी दिन है, तो आप सबको आज ये गुरु दक्षिणा का लिफाफा दिया जाएगा। अब इसका आयोजन करने में संस्था के सभी लोग लगे रहते हैं, सबके सहयोग से ही ऐसे कार्य संपन्न होते है ना, और हमारी परंपरा कैसी रही है बांटते रहो विधान विष्णु, लेकिन उसको आयोजन करने में कुछ साधन जुटाने पड़ते हैं, बैठने के लिए कुछ कुर्सियाँ लानी पड़ती है, तो अभी इन्होंने इनका घर भी हमको दे दिया, तो सबके कुछ कुछ देने से ही ऐसे कार्य सब संभव होते हैं, और ये संस्था भी ऐसी चलती रहती है, ऐसे कार्य होते रहते, तो ऐसे कार्य होते रहने चाहिए, आपको क्या लगता है होते रहना चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए है? तो आप भी यथाशक्ति ये ऋषि मुनियों का इस ज्ञान जो है इसे अब ज्यादा ज्यादा जरूरत है इसकी लोगों में है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, बाकी दुनिया का छोड़ो एक परिवार में भी साथ रहना भी मुश्किल होता जा रहा है, सब लोग भेद भेद देखने लगे, राग द्वेष भेद झगड़े वो ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एकत्व तो देखते जाए सब में प्रेम हो जाए ऐसा ये ज्ञान है, तो इसे आत्मसात करने के लिए अलग अलग साधन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन, ऐसे पास में अपना आश्रम है जहाँ पे अलग अलग तरह के शिविर लगते हैं बच्चों के बड़ों के, यहाँ कैसे आपको भागना होता है समय हो गया तो वहाँ जब आ जाते हैं शिविर में तो फिर वो और ले जाए उसको पढ़ाई हो सकती है, वैसे कई सारे साधन जुटाने के लिए सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, तो आप भी आप यथाशक्ति इस गुरु परंपरा के चलाने के लिए दक्षिणा रूप में प्रेम से उस भाव से यथाशक्ति जो भी देना चाहे वो जबरदस्ती नहीं है मन से
फल इसमें डाल के फिर अपना नाम माता पता सब इसमें लिख देना ताकि आपको उसे रसीद भी बराबर मिल जाएगी। हाँ तो कल आखिर दिन आपको फिर यहाँ पे एक प्रसाद पुस्तिका भी दी जाएगी। हाँ खाने का प्रसाद नहीं, खाने का प्रसाद वो खत्म हो जाता है दो तीन घंटे में, विचारों का प्रसाद जिसे आप पढ़कर घर में चिंतन कर सकें। और जो शाम को भी आ रहे हैं फिर एक समय ही जा रहे हैं, या तो शाम को या सुबह, जो दोनों टाइम आ रहे हैं कोई भी एक समय दो बात करने की जरूरत नहीं। तो कल हम इसे पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि